विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश विद्युत संविदा व मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय इकाई आजमगढ़ के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं। पत्रकारों से हुई बातचीत में सूर्यदेव पांडे उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ के पूर्वांचल कमेटी के महामंत्री सूर्यदेव पांडे ने बताया कि पूरे जोन में कुछ संविदा कर्मियों को छोड़कर किसी भी संविदा कर्मी का माह 12/2020 का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिससे सभी संविदा कर्मी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आगामी 3 दिनों के अंदर समस्त संविदा कर्मियों का वेतन नहीं मिलता है तो 22 जनवरी 2021 से विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय इकाई आजमगढ़ के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी अनिश्चितकालीन जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठेंगे, जिससे उत्पन्न औद्योगिक अशांति के लिए प्रबंध तंत्र जिम्मेदार होगा। आगे क्या कुछ कहा सूर्यदेव पांडे ने देखे हमारे इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवार। सूर्यदेव पांडे उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के पूर्वांचल कमेटी का महामंत्री हूँ। सर आज आप लोग किन मांगों को लेकर आए हैं? आज हम लोग एक लंबे अवधि से 15 सूत्री समस्याओं के समाधान की संगठन मांग कर रहा था। जैसे संविदा कर्मियों को हिंदुस्तान में ही तेलंगाना राज्य में संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया है और ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो हमारे संगठन का ये कहना है कि जब हमारे देश के अंदर ही तेलंगाना में ऐसा संभव है तो पावर कॉरपोरेशन में संविदा कर्मियों को क्यों नहीं नियमित कर दिया जाता है, और अगर जब तक नियमित नहीं किया जा रहा है तब तक समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। ऐसे 15 सूत्री समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर के प्रबंधक द्वारा एक लंबे अवधि से उपेक्षापूर्ण कार्रवाई करने के कारण हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। प्रथम चरण में हम लोग पूरे प्रदेश के हर जिले में आंदोलन कर चुके हैं। आज द्वितीय चरण में हम लोग यहाँ पर धरना देकर के और अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन के नाम संबोधित ज्ञापन मुख्य अभियंता महोदय को देंगे, उसके बाद ये धरना समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर पावर कॉरपोरेशन हमारे समस्याओं का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा नहीं किया जाता है तो आगे फिर संगठन के निर्णय के अनुसार एक जोरदार निर्णायक संघर्ष का पूरे प्रदेश में हम लोग ऐलान करेंगे और फिर अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारी स्थानीय समस्या भी थी, जैसे हमारे यहाँ संविदा कर्मी काम करते हैं, हमारे मुख्य अभियंता महोदय के अधीनस्थ 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, तीनों जिले में संविदा कर्मियों को दिसंबर महीने से इनका वेतन अवरुद्ध है। हम इस धरने के माध्यम से उनके वेतन के तत्काल भुगतान की मांग करते हैं। आ इनके वेतन से ईएसआई का पैसा कट रहा है तो इनको सभी लोगों को ईएसआई का कार्ड दिया जाए, सभी संविदा कर्मी साथी का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ये सब हमारी मांग है। इन सब मांगों का अगर मुख्य अभियंता महोदय समय रहते समाधान नहीं करेंगे तो आगे हम लोग केवल इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के फिर एक स्थानीय स्तर पर आंदोलन का जो है कि ऐलान करेंगे और उस आंदोलन से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण औद्योगिक अशांति, निगमी कार्य व्यवधान और जन सामान्य को जो असुविधा होगी उसकी सारी जिम्मेदारी मुख्य अभियंता महोदय की होगी। पावर